हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है दिन संडे का और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं ना, ब्लैक जो चार्ट पेपर होता है उससे हम लोग बना रहे हैं हैप्पी बर्थडे का जो होता है स्टिकर होते हैं हैप्पी बर्थडे वाले, वो हम लोग DIY स्टिकर बना रहे हैं और ये बहुत ही प्यारा बनकर रेडी होगा। आप लोग जो मेरा वीडियो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इतना प्यारा हो जाएगा। महिमा बना रही है महिमा और हम दोनों लोगों ने मिलकर ही ये चीज़ें डिसाइड करी थी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, कार्डबोर्ड को आप लोग देख सकते हैं, जो कार्डबोर्ड महिमा लिए है ना, इसको हम लोगों ने इस तरह से काट लिया था और ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर है, वाइट पेंसिल है। तो सबसे पहले जो जितने भी निशान हैं, जो भी टिक लगाने हैं, निशान लगाने हैं, सबसे पहले हम लोग वो लगा लेंगे। और हैप्पी और बर्थडे मिलाकर एक एक अल्फ़ाबेट से ये 13 होते हैं, 13 बनाए जाते हैं, तो हम लोग 13 बनाएंगे। और ये 13 जो ये स्टिकर थे, ये मात्र सिर्फ दो चार्ट पेपर में बन गए थे, सिर्फ दो चार्ट पेपर में। इतना इजी वे आप लोगों को मैं बताऊँगी, इतनी जल्दी और इतना अच्छा बनना, मैंने ऑनलाइन इसको देखा था तो ये 300 रुपीज़ का मुझे मिल रहा था। तो हम लोगों ने कहा चलो मैं क्यों ना हम लोग इसको ले ही लेते हैं। जो हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था उसकी मैं पिक्चर आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देखिएगा मैंने कौन सा देखा था। तो मैंने कहा इससे अच्छा हम लोग घर पे ही बना लेते, तो बस ट्राई किया और ट्राई क्या किया, इतना अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसीलिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, मतलब कुछ भी मैंने कट नहीं किया। तो ये देखिए, ये सब हम लोगों ने कट पहले निशान लगा लिए हैं, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। और संडे का दिन था, मूवी आ रही थी नदिया के पार। मेरी कुछ ऐसी मूवीज है जो मेरी फेवरेट हैं, जैसे नदिया के पार हो गई, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, एक विवाह, ऐसा भी, ये ऐसी मूवीज़ हैं जो मुझे आप हर रोज़ दिखाओ तो मैं रोज़ देखती रहूँगी। मुझे बिल्कुल भी इन मूवीज़ में बोर नहीं होता, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, इसको हम लोग कट कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब कुछ भी इसमें DIY समझ लीजिए, चीज़ें वेस्ट होने वाली, मतलब जो कुछ चीज़ें मैं इनमें आगे जो लगाऊंगी वो ऐसी हैं जो 10 साल पुरानी है, समझ लीजिए 10 से कम नहीं होंगी, 10 से ज़्यादा ही होंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग ये वाला सारा काम कर रहे थे, तो ये चाय भी बना कर ले आए थे, बोले चलो तुम लोग काम कर रही हो तो चाय मैं बना देता हूँ। तो शाम का ही टाइम था, आई थिंक 4 बज रहा था, तो वही ये बोल रहे हैं देखो कि चाय भी मुझे ही बनानी पड़ रही है इन लोगों के लिए। तो बस मैं यहाँ पर हम लोग चाय वाय इंजॉय करेंगे, उधर काम भी करते जा रहे थे और यहाँ पर चाय भी पीते जा रहे थे। और TV चल रही थी, मैंने बताया था पहले नदिया के पार मूवी आ रही थी, उसके बाद हम साथ साथ में भी आ रही थी, तो वो भी मैं देख रही थी। तो ये देखिए, वो कट कर लिया था। उसके बाद जो ये हैप्पी बर्थडे का स्टीकर पहले आते थे, अभी भी आते होंगे मुझे नहीं पता, ये 10 पुराना स्टीकर पड़ा हुआ था, हम लोगों को नहीं पता था। हम लोगों ने तो सिर्फ इसको ये सोचा था कि इस तरह से स्टिकर काटने के बाद इसमें ये देखे पड़े हैं ना, हम लोगों ने ये सोचा था कि इन लोगों को हम लोग ड्रॉ करेंगे, वाइट पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से आगे महिमा ने अपना नाम भी ड्रॉ किया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं कह रही थी। बट पता नहीं क्या, महिमा कुछ लेने गई तो महिमा को ये याद आ गया, तो ये दीदी बोली इसको इसमें पेस्ट कर दो। तो बस हम लोगों ने जो चार्ट पेपर काट कर रखा हुआ था उसमें ये जो हैप्पी बर्थडे का ये स्टिकर आते हैं, अभी भी आते होंगे बहुत ईजी, मुझे लगता 10-20 रुपए में ही मिल जाते हैं। और जो मैंने ऑनलाइन देखा था वो 300 का था, तो उससे अच्छा ये बिल्कुल सस्ता, अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये सारे जो है मैं इसमें ये लगा लगा कर ग्लू देती जा रही थी और महिमा इसको पेस्ट करती जा रही थी। और पेस्ट भी करना क्या, एकदम बिल्कुल फिक्स करना था, जैसे वो ए है तो ए के साथ में इसको रख के, क्योंकि ऊपर से नीचे से एकदम इक्वल जगह पे हो, बराबर हो, तभी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जो हमारे सारे जो हैं वो अल्फ़ाबेट हैं उनको हम लोग इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से पूरा बनाकर दिखाऊंगी। इसके जो ये वाई और ए है ना, इसके दोनों ऊपर से कोनों में मैं जो पेपर कटर होता है उससे छेद कर लूँगी। तो ये देखिए, उसके बाद मूवी आ रही थी हम साथ साथ हैं, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों ने, हम लोग बनाते भी जा रहे थे, इन्जॉय भी करते जा रहे थे। किस किस को जो मैंने मूवी के नाम लिए पसंद है ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बताएगा किस किस को ये सब मूवीज़ बहुत पसंद आती हैं। मुझे तो बड़ी पसंद आती हैं, मैंने बताया ना मुझे कोई रोज़ दिखाए तो मैं बिल्कुल ऊब नहीं सकती हूँ, मैं रोज़ देख सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मूवीज़। हेलो एवरीवन, एज यूजुअल सिर्फ फ़ोन 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 फ़ोन। मेरे बर्थडे पर सरप्राइज दोगे? सरप्राइज खराब हो गया।
जो इसने खराब किया है इस बच्चे ने। तो ये देखिए, ये प्रॉपर जो पूरा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हैप्पी बर्थडे, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो ये नीचे महिमा ने जो छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाए जिसमें महिमा लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए, ये इसी से कटिंग बच गई थी। वो आप लोग जब काटोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। उसी कटिंग से हम लोगों ने यहाँ पर महिमा लिख लिया है। जैसे ये महिमा ने ड्रॉ किया, हम लोग सोचे थे इसी तरह से सारे ड्रॉ करेंगे, बट जब हम लोगों को ये देखे, बहुत ही प्यारे कलर से सारा महिमा ने अपने हाथ से ही ड्रॉ किया है। तो हम लोगों ने सोचा था ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, बट ये हैप्पी बर्थडे हम लोगों को मिल गया था। तो यही हम लोगों ने इसमें पेस्ट कर दिया है, साइड से पेपर कटर से छेद करके इसमें धागा लगा दिया है। तो बस ये बनकर रेडी हो चुका है। कैसा बना है, अच्छा बना हो तो, बुरा बना हो तो, जैसा भी बना हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग शेयर करिएगा। गुड इवनिंग ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं बस सोई तो हूँ नहीं, बज रहा है 9:30। वीडियो कल से कंटिन्यू है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। आई होप आप लोग समझेंगे कि वीडियोज स्टार्ट होता है, शुरुआत हो जाती है, एंड नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे रीजन्स बनते चले जाते हैं कि वीडियो शुरू हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो कल हम लोगों ने जो महिमा का हैप्पी बर्थडे DIY बनाया था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद से मैं कोई वीडियो नहीं शूट करी थी, मैंने किया ही नहीं था। और आज भी अब रात का बज रहा है 9:30। आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, 9:30 बज रहा है, करेक्ट 9:30 बज रहा है। देखिए सीरियल भी 9:30 बजे वाला शुरू हो रहा है, तो 9:30 बज रहा है। मैं ये भी बैठे हैं चुचल फ़ोन देख रहे हैं, अभी आएंगे। और आज है 7 सितंबर, कल है 8 सितंबर, कल है महिमा का बर्थडे। तो आज भी 12 बजे वाला मुझे केक बनाना है। मन नहीं हो रहा है, पता नहीं आज नींद आ रही है आँखों में, तो ये हो रहा है नहीं बनाना तो हाई है। मैंने हालांकि उससे बोल दिया है कि मेरा मन नहीं हो रहा है महिमा, प्लीज़ मैं तुम्हें बना दूँगी सुबह, तो तुम सुबह काट लेना। तो थोड़ा सा मन डाउन करके मूड ऑफ हो गया उसका, वो चली गई चुपचाप ऊपर। और बट ये बोल रहे हैं बना लो फटाफट से, बना के रख दो, अगर नहीं आया तो सो जाना, 12 बजे का अलार्म लगा लेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा वो करूँगी। तो बस वही बिस्किट वाला केक बनाऊँगी, जो कि बहुत ही इजी वे पे बन जाता है। हुआ क्या है, बटर पेपर नहीं है मेरे पास, महिमा के पास है, मैदा भी ख़त्म हो रखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। तो बटर पेपर उससे मांगूँगी तो वो जान जाएगी कि मौसी केक बना रही है। देखती हूँ, नहीं होगा तो मांग लूँगी, जान जाएगी तो क्या हुआ। वैसे भी नैतिक वाले में सरप्राइज़ दे चुके हैं, तो इसमें वो सरप्राइज़ वो तो छोटी बड़ी है, इतना तो उसको नहीं समझ में आता है, मतलब उसको समझ में आता है वो तुरंत समझ जाएगी। ऊपर से मिक्सी वगैरह चलाऊंगी बिस्किट वगैरह के लिए, तो वो समझ जाएगी। बट जैसा भी होगा केक तो बनना ही है। तो जा रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, और मुझे नींद लग रही है। एक्चुअली मैं कल इनके फ्रेंड आए हुए थे बनारस से आए, तो वो उनकी वजह से वो सुबह आ गए, तो मैं 2:30 बजे उठ गई थी। हेडक में मुझे नींद नहीं आ रही थी, 4 बजे का अलार्म लगाया था, बट मैं 2:30 बजे ही उठ गई थी। तो उस वजह से फिर कल से पता नहीं क्यों वो नींद ही नहीं पूरी हो पा रही है। तो चलिए फिर पहले केक वगैरह मैं बना लेती हूँ, 9:30 बज गया, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा केक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, और हुआ वही था, सरप्राइज़ तो नहीं रह गया था, क्योंकि मुझे बटर पेपर वगैरह चाहिए था, तो मैंने महिमा को बुलाया था, और वो आई भी ऐसे कि यहीं पे सो गई थी आके, वो सो रही है। और नैतिक भी देखिए बस रेडी है, मतलब दीदी को जगाने के लिए, ये देखिए महिमा सो रही है। तो चलिए महिमा को जगाते हैं, बर्थडे विश करते हैं, केक कटिंग करते हैं, और बर्थडे को प्री बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। महिमा उठो, ए महिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. May God bless.
बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है, ये देखिए। उसको दे दो ऊपर शाम का चीकू, टूट पड़े केक पे। और हाँ मैं बता दूं आप लोगों को, एक सेकेंड, तो चीकू तुरंत केक खाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लगता है चीकू को। और ये दोनों झूठे हैं, केक के ऊपर का जो ओरियो बिस्किट था वो गायब हो चुका है पूरी तरह से। अरे कट नहीं कर पा रहा ये अच्छे से, इतना खाने की जल्दी है, इतना बच्चों को खिला दो, पर इन लोगों को लगता है केक ऐसा लगता है कितने दिनों बाद मिला है, तो इसलिए छत में हम लोग नहीं गया, क्योंकि आज आप लोगों को मैंने नहीं बताया, मैं नहीं बताना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि जिया जी को, जिया जी का सुबह एक्सीडेंट हो गया था, मम्मा के पापा का, लेकिन बस ये है भगवान की कृपा से बिल्कुल भी उनको चोट नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है, बस थोड़ा सा जो पैर की गांठ होती है वहाँ पर हल्का सा स्क्रैच हो गया है, बाकी उनको कोई चोट नहीं है भगवान की दया से। तो बस इसीलिए उनका भी शाम को उनका इंजेक्शन वगैरह लगा, जो टिटनेस का होता है ना, टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह लगा है, तो वो सो गए हैं, तो फिर इसलिए हम लोगों को ये हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुई है, तो कि चलिए थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, इसलिए ये महिमा ही बोली कि मौसी देखिए मैं, क्योंकि मुझे, मैंने आपको बताया था कि ये सरप्राइज़ वगैरह ऐसा कुछ रह नहीं पाया क्योंकि बटर पेपर नहीं था, मैंने महिमा को बुलाया, महिमा बोली मौसी हम लोग नीचे ही कट कर लेंगे, पापा सो जाएंगे तो उनको परेशान नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने वेट किया, ये लोग, महिमा सो गई थी, ये भी सो गए थे, हम ऑनलाइन जग रहे थे 12 बजे तक। तो बस अब केक कट हो चुका है और मेरा ये वाला आज का वीडियो भी यहीं पर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कल से स्टार्ट हुआ था, कल फिर नया एक वीडियो स्टार्ट करूँगी, महिमा का बर्थडे व्लॉग, तो फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।